भाई आईपीएल 2024 का पूरा माहौल जम चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अब फाइनल प्लेयर्स की लिस्ट भी आ चुकी है। कब ऑक्शन होने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, सेक्स यानी कि कौन से प्लेयर कौन सेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके भी सब लिस्ट आ चुके हैं। सो गाइस पूरी डिटेल के साथ सब चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही है और कौन से खिलाड़ी कौन से लिस्ट में कौन से सेट में कौन से नंबर पे आएंगे, सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, IPL ऑक्शन से कनेक्ट होना है, उसके बाद यहाँ पे IPL 2024 से कनेक्ट होने के लिए साथ में मेगा ऑक्शन जो अगले साल का होगा उसके साथ भी जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा तो कर दीजिएगा फटाफट से, 2 सेकंड का ही काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे करेंगे 2024 IPL का डेट, जो कि आपको 19 दिसंबर पता है। टाइमिंग में यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि मैंने कल 2 बताया था, 2 बजे प्री पोस्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा और 2:30 पे यहाँ पे IPL ऑक्शन स्टार्ट होगा। 1100 के ऊपर प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, शॉर्ट लिस्ट प्लेयर की हो गई है। शॉर्ट लिस्टिंग में अगर बात कर लिया जाए तो कुल मिला के 333 प्लेयर हैं जो कि हैमर के नीचे जाएंगे, यानी कि 333 प्लेयर का नाम सामने आएगा। जहां मैं बात करूं 219 प्लेयर इंडियन है, यानी कि 219 प्लेयर इंडियंस हैं, उसके बाद 114 जो है वो ओवरसीज प्लेयर है। सो गाइस ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, और यहां से ऑक्शन 2024 का यहां पे पूरा पेडल स्टार्ट होता है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अब सेट वाइज, सबसे पहले सेट वाइज बात करेंगे, उसके बाद सब चीजें देखेंगे। सो गाइस जो सबसे पहले सेट की बात करें, सेट नंबर 1 में जो खिलाड़ी आते हुए नजर आने वाले हैं, वो जो कि सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा हैरी ब्रुक्स का। हाँ गाइस हैरी ब्रुक्स, उसके बाद हेड आएंगे करुण नायर, आएंगे मनीष पांडे, रॉबिन पावेल, रनशॉ और स्मिथ। सो गाइस ये जो खिलाड़ी है वो सेट नंबर 1 में आते हुए नजर आने वाले हैं। सेट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे, सेट नंबर 2 में यहाँ पे ग्रिलेट कॉट्जी का यहाँ पे नाम आता है, ग्रिलेट कॉट्जी आएंगे, उसके बाद कमिंस, हसरंगा, डेरल मिचेल, उमर राई, उसके बाद हर्षल पटेल आएंगे, उसके बाद रचिन और उसके बाद ठाकुर और यहाँ पे क्रिस वोक। सो गाइस ये जो खिलाड़ी है ये सेट 2 में आते हुए नजर आने वाले हैं। सेट 3 में ज्यादा प्लेयर है नहीं, यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सेट 4 जो कि सबसे बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट सेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहला नाम आता है लॉकी फर्ग्यूसन, जॉस हेजलवुड, अल्वारी जोसेफ, दिलशन मधुशंका, शिवम मावी, चेतन साकरिया, मिचेल स्टार का नाम आता है, जयदेव उनादकट और उमेश यादव। सो गाइस ये जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे इस सेट में आते हुए नजर आने वाले। तो गाइस सेट 4 जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन सेट यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे नंबर 5 पे जो है वो अकील है, उसके बाद मुजीब है, आदिल है, वकार, उसके बाद बात करें वकार है, ईश चोटी है, ये जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे सेट 5 में है। यानी गाइस उसके बाद अगर देख लेंगे तो इस तरीके की पूरी सेट जाना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए बात कर ले तो ये 4 सेट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो बाकी सेट के जो प्लेयर रहेंगे वो लिस्ट मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करूंगा, जो कि आप यहां पे देख लीजिएगा